दोस्तों, यदि आपके फोन से गलती से कोई भी फोटो या वीडियो डिलीट हो जाते हैं तो उन्हें आप वापस से दोबारा कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप के अपने फोन से ही। आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनके द्वारा आप अपने फोन से कोई भी फोटो या वीडियो अगर आपके फोन से गलती से डिलीट हो जाता है और उन्हें आप तुरंत रिकवर करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप उनको रिकवर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हम आपको दो तरीके बताएंगे। एक तरीका हम आपको आपके फ़ोन की गैलरी से बताएंगे और एक तरीका हम आपको अपने आपके फ़ोन के ही एक दूसरी सेटिंग से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको गैलरी वाला बता देते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने फ़ोन की गैलरी में आपको आ जाना है। गैलरी में आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे फोटो या एल्बम का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे देखिए एल्बम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे तरफ स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रैशबिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे ट्रैशबिन का ऑप्शन नहीं मिलता है, ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो थ्री डॉट दिख रही है, यहाँ पे थ्री डॉट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बिन का ऑप्शन मिलेगा। यह हो सकता है आपके फ़ोन में डस्टबिन हो या बिन के नाम से हो, आपको सिंपली उस बिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जब आप बिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके देखिए फ़ोन पे जितने भी फोटो या वीडियो डिलीट होंगे, देखिए जैसे अभी हम यहाँ से एक फोटो डिलीट कर देते हैं। देखिए ये दो फोटो अभी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो हमने इनको दो फोटो को डिलीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे ट्रेसबिन पे जाके देखेंगे तो हमारी वो डिलीट फोटो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखाई दे देगी। यहाँ पे आपका ये जो डाटा रहता है, फोटो या वीडियो कुछ भी डिलीट करेंगे वो आपको 30 दिन का मिल जाएगा। अगर आपने डिलीट करने के 30 दिन के अंदर से आप उनको रिकवर करना चाहेंगे तो ये बिन वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, आप ये एल्बम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फोटोज मिलेगा, एल्बम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको बिन या ट्रेस बिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे ट्रेस बिन या बिन का ऑप्शन नहीं मिलता, ऊपर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा तो आपको यहाँ पे नीचे बिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली बिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे बिन पे जाएंगे तो आपका ये फोटो यहाँ पे दिख जाएगी। इन फोटो को आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है और अगर आप इनको वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं आपको अपने फ़ोन की गैलरी में, तो देखिए नीचे तरफ यहाँ पे एक ये रिस्टोर बटन मिल रहा है। यहाँ पे आप दोनों जिनको भी आप रिस्टोर करना चाहें इनको आप इस तरह से कर देंगे तो आपके यहाँ से देखिए ये ट्रैशबिन वाले सेक्शन से फोटो हट गई हैं और आपके फ़ोन की गैलरी में देखिए ये गैलरी में दोनों फोटो ये आ गई हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन की गैलरी से आप रिकवर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। अगर आपके फ़ोन की गैलरी में यहाँ पे नहीं शो होती हैं बिन वाले सेक्शन में तो आपको क्या करना है, फिर आपको अपने फ़ोन के देखिए ये फोटोज करके एक एप्लीकेशन होगा आपके फ़ोन में, तो आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम नॉट नाउ पे करते हैं, ऊपर देखिए आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ पे देखिए टर्न ऑन बैकअप का मिलेगा। यहाँ पे आप बैकअप इज ऑफ अभी हमारा दिखा रहा है, यहाँ पे हम टर्न ऑन बैकअप पे करते हैं। यहाँ पे करने के बाद हम अपनी यहाँ पे मेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अभी हमारी यहाँ पे मेल आईडी आ रही है। इसके बाद हम यहाँ पे टर्न ऑन बैकअप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे यूज मोबाइल डाटा वेन देयर इज ऑन वाईफाई, इस ऑप्शन को हमको बंद रहने देना है। ऊपर ओरिजिनल क्वालिटी का आ रहा है, स्टोरेज सेवर का आ रहा है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करना। नीचे तरफ कंफर्म बटन मिल रहा है, यहाँ पे हमको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो बैकअप है, देखिए हमारा यहाँ से बैकअप अभी यहाँ पे ऑन हो गया है। हमारा यहाँ 15 GB का बैकअप हमारे फ़ोन में अभी आ रहा है। तो हमारे फ़ोन का जो नेट है वो चालू होना चाहिए, नेट हमारे फ़ोन का चालू रहेगा तो आपके फ़ोन का जितना भी मोबाइल का पुराना डिलीट डाटा होगा वो सारा फोटो वीडियो वो सारा डाटा यहाँ पे अभी रिकवर हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे रिकवर हो रहा है। 15 GB का डाटा है तो इसमें थोड़ा टाइम आपको लग सकता है और आपके फ़ोन में इंटरनेट भी 15 GB होना चाहिए तो आप बड़ी आसानी से आप अपने फ़ोन में डिलीट हुआ जितना भी डाटा होगा वो पूरा डाटा यहाँ पे आप रिकवर कर पाएंगे। देखिए आप जब इस तरह से जाएंगे अपने फोटोज में, जितना भी आपके फ़ोन का डाटा होगा वो डाटा पूरा यहाँ पे आपका रिकवर हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वेट करना होगा, आपका जितना भी यहाँ पे ये डाटा है वो पूरा से पूरा रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको दो तरीके बताए हैं, दो में से कोई भी एक तरीका करके या दोनों तरीके करके आप अपने फ़ोन को फोटो या वीडियो डिलीट जो हो गए हैं उनको आप बड़ी आसानी से अपने फ़ोन में दोबारा से आप रिकवर कर सकते हैं।